मसला ये है कि मुझे तो यूं लगता है कि मेरी मुझ नाचीज की तकरीर से लोग इतना डरते हैं कि वो चाहते हैं कि इसको ऐसे टाइम पे बोले जब कोई सुनने वाला ना हो, और फिर टीवी सब ऑन करके अपने अपने कमरे में देख रहे हो कि आज डॉक्टर जरका ने क्या कहा। सर मैं एक आजिज सा बंदा हूँ, मैं तो पाकिस्तान की अवाम की बात करूंगी, लेकिन ऐसा डर क्या मुझसे। मैं इस बात पे बहुत आज तशवीश में हूँ कि मैं नाचीज, मतलब वो क्या कहते हैं, पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, तो मसला क्या है कि मुझे बोलने नहीं देते। यानी सारा दिन गुजर गया, मेरा टीवी प्रोग्राम था वो भी इसकी नजर हो गया, वो मुझे बार बार फोन कर रहे हैं। मैंने कहा जी सबसे पहले तो सेनेट है, मुझे तो कहा गया था आप सबसे पहले बोलेंगी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के बाद। बहरहाल अपनी इंसान को हैसियत पता चल जाती है कि क्या है जब आपको आखिरी बोलने दिया जाए। लेकिन अभी सर मेरे 2.5 साल बाकी हैं, मैं इतनी आसानी से ना काम छोड़ने वाली हूँ ना जान छोड़ने वाली हूँ। सर मसला ये है कि बलूचिस्तान पे इतनी सैर हासिल गुफ्तगू हुई और सुनने में तो ऐसे लग रहा था जैसे सारे सॉल्यूशंस यहाँ पे ऐवान में लोगों के पास हैं। हमारे लीडर ऑफ द हाउस ने कहा कि ये तो कोई, मतलब सब कुछ हमने किया, वह कई दहाइयों से हम कर चुके हैं। तो सर जो इतनी दहाइयों से यहाँ पे सारे एक्सपीरियंस लोग, 4 लोग बैठे हैं, वो भी चुप नहीं है। मैं मानती हूँ मैं आखिरी स्पीकर हूँ, लेकिन अगर आप, वरना आप बाहर चले जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं, मेरे लिए बड़े काबिले इज्जत है, खाली कुर्सियां भी बड़ी काबिले इज्जत है। सर अब सवाल ये है कि ये हो क्या रहा है, क्या मसला है बलूचिस्तान का जिसमें हम सब दहशतगर्दी को बुरा कहते हैं, इस बात पे कोई दो राय नहीं है। हम सब कहते हैं कि दहशतगर्दों के साथ सख्त हाथ से निमटना चाहिए और हम सारी पार्टियां इस बात में मुत्तफिक हैं, सबको पता है क्या होना है, और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि हमें पूरा यकीन है कि हमारी रियासत जब इसके ऊपर कुछ करना चाहेगी तो वो कर लेगी। हमारी पाकिस्तान की फौज जिसने अपनी इतनी जानों के नजराने दिए, इतने शुहदा, और हमारी पुलिस फोर्स जिसके साथ जो जुल्म हुआ कच्चे के डाकुओं ने किया साउथ पंजाब में, ये सारी जाने जो जाती हैं, हमें पूरा यकीन है कि हमारे मुल्क की जो फौज है, हमारे मुल्क की जो स्टेट है, वो इन सब चीज़ों से नबरद आजमा बड़ी आसानी से हो सकती है और पूरी तरह कैपेबल है और हो भी जाएगी और कंट्रोल भी कर ली। लेकिन सर क्या वजह है, 70 साल हो गए और मैंने पढ़ा ये है कि ये 5वीं इंसर्जेंसी है बलूचिस्तान, 5वीं इंसर्जेंसी है, और पहली इंसर्जेंसी जो मुझे, मैं एक BBC की रिपोर्ट देख रही थी उसमें वो कहते हैं कि पहली इंसर्जेंसी 1970 में हुई थी, और ये जो दिन था ये बरसी थी नवाब अकबर बुगटी की, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है नेशनली और इंटरनेशनली भी, उन्होंने लेकिन 10 अजला बलूचिस्तान के BLA, उसने आपको एक पैगाम दिया है 26 अगस्त को 2006 की यादाश्त उन्होंने आपको दिलाई है। 10 अजला में उन्होंने 20 घंटे तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को एंगेज रखा, जिसमें हमारे कितने शुहदा हुए वो तो, कितने हमने डिक्लेयर किए और कितने एक्चुअली हुए उस पर हमें सख्त अफसोस है। लेकिन सर उससे ज़्यादा अफसोस उस डेमोन्स्ट्रेशन पे है जो गवादर में बलूचिस्तान की बहनें, बलूचिस्तान की माएँ, जो कि बलूचिस्तान एक ट्राइबल कम्युनिटी है, वहाँ पे बच्चियाँ नहीं निकलती, वो बच्चियाँ क्यों निकली, उनके कोई मसाइल थे, उनके मसाइल थे मिसिंग पर्संस के हवाले से। तो सर जब हम ये मिल्यू देखते हैं पाकिस्तान में, इस वक्त हो क्या रहा है पाकिस्तान में, आप बन्नू में चले जाएं, आप कड़क में चले जाएं, आप गिलगित बल्तिस्तान में जो हुआ चंद महीने पहले, आजाद कश्मीर में क्या हुआ, पंजाब में पिछले साल जिस तरह से पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में खवातीन को उठाया गया, ये किसी पाकिस्तान के सूबे में इस तरह नहीं होता कि आपकी पुलिस अपने ही लोगों पे तशद्दुद करे, और खास तौर पे खवातीन चादर और चारदीवारी को आप जिस तरह से पामाल किया गया। तो ये पूरे पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की लहर हर तरफ आई हुई है, कहीं स्टेट की तरफ से कहीं लोगों की तरफ से, इसमें कुछ मिक्स्ड मैसेजेस हैं। हर इलाके का मसला अपना है, फाटा में जो हुआ उसका मसला अपना है, लेकिन क्या कोई सुन रहा है। वो सूरा बकरा की एक आयत है, सुमन बुकमन उम्यून फहुम ला यर्जेउन, के जो सुनते नहीं है, जिनको नजर नहीं आता और जिनको समझ नहीं आती, इनको कभी समझ नहीं आएगी। सो मसला क्या है, क्या हमारी हुकूमत सुन नहीं रही, क्या हमारी जो लोग इन चीजों को देखते हैं उनको क्या समझ नहीं आ रही मसाइल क्या है, क्यों नहीं हम ये मसले हल करते। इन मसलों को हल करने की हमारे पास पूरी ताकत है, लेकिन कोई हमारे अपने मसाइल हैं, हम अपने जाती मसाइल की वजह से जो हमारे मुल्क के जो इज्तमाई मसाइल हैं उनकी तरफ हम अटेंशन ही नहीं देते। आप बलूचिस्तान के नौजवान खड़े हुए हुए हैं, नौजवानों, वो पहाड़ियों से नहीं आए हुए नौजवान, ये वो नौजवान है जो पढ़े लिखे नौजवान है जो नीचे स्कूलों कॉलेजों से आए हैं, वो कह रहे हैं हमारा हक दो,
और सर मजे की बात तो ये है कि पिछले ही साल आपका प्रेसिडेंट, आपका चेयरमैन सेनेट, आपका चीफ जस्टिस, चार बड़े बड़े ओहदे बलोच नेशनल्स के पास थे। हम सब पाकिस्तानी हैं और ये जो हाउस ऑफ द फेडरेशन है इसका मकसद ही ये है कि बलोचिस्तान, जिसकी टोटल आबादी 1 करोड़ है, यानी कि 24 करोड़ आबादी मुल्क का पाकिस्तान, उसमें से 1 करोड़ आबादी का प्रोविंस जो आधा पाकिस्तान है जमीनी एतबार से, उसके यहाँ पे 1/4 मेंबर है। इतनी स्ट्रॉन्ग सेनेट है, इतने जबरदस्त हमारे मेंबर है, तो सर क्या मसला है कि बलोचिस्तान के मसाइल हमारे लोग हल नहीं कर सकते? क्या वजह क्या है इसके ऊपर? क्या यहाँ पर बैठे जो हमारे बलोच भाई और बहनें जो अभी बड़ी जबरदस्त तकरीरें करके गए और बारहा बलोचिस्तान के ऊपर हमारे वो दिनेश भाई थे, बड़े जोरों शोर से वो तकरीर करते, तो कोई रिजल्ट क्यों नहीं निकाल पाते? क्या ये सब लोग, इनके पास कोई ताकत नहीं है, इनके पास कोई एजेंसी नहीं है? क्या वजह है? क्या ये सिंसेर नहीं है पाकिस्तान से? क्या पाकिस्तान और उसके 4 सूबे प्लस 2 सूबे जिनको हमने सूबे का स्टेटस नहीं दिया हुआ मगर वो है पाकिस्तान का हिस्सा, मसलन 4 सूबे पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपीके, और 2 वो जिनको हमने कुछ समझा नहीं हुआ, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, ये 6 हैं। इन 6, ये हमारे सुतेले हैं जो पाकिस्तान चलाते हैं लोग, क्या उनके सुतेले हैं ये 6 के 6 के? इनके लोगों के मसाइल नहीं सुने जाते? और मसाइल बड़ी आसानी से सेटल हो सकते अगर उन लोगों को आप इंफ्रास्ट्रक्चर दें। बलोचिस्तान में इस वक्त भी 1 करोड़ आबादी में से 30 लाख बच्चे हैं जो स्कूलों में नहीं है। सर इसका क्या जवाब है? सर आप भी बलोचिस्तान से, बलोच जो हमारे लोग जो इस वक्त हुकूमत के मुख्तलिफ ओहदों पे हैं और पिछले महीनों में भी रह चुके हैं, हमेशा बलोचिस्तान को सीटें दी जाती हैं कि जी बलोचिस्तान का हक होना चाहिए, तो क्या करते हैं वो लोग बलोच जो अपने लोगों के लिए? मेरा तो ये सवाल है। और ये सवाल मैं पार्टी बेसिस में, पार्टी की कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, बलोच हमारे हैं, सारे प्रोविंसेस हमारे हैं। आज मैं इसीलिए बलोच कपड़े भी पहन के आई। सो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ आपको 2 चीजें और पॉइंट आउट करना चाहूंगी, क्योंकि बलोचिस्तान की बातें तो सबने कर दी। 24 अगस्त को जो यूनाइटेड नेशंस की कमेटी ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, उसने जिनीवा से एक पैगाम दिया है पाकिस्तान की हुकूमत को। 24 अगस्त को, 26 को ये सानेहा हुआ है, उससे 2 दिन पहले उन्होंने एक एडवाइस दी है पाकिस्तान की हुकूमत को कि आप जो इस वक्त, और इसको डॉन अखबार ने 24 को शाया भी किया, बाकी अखबारों ने भी शाया किया, और 26 तारीख को जिस दिन ये सानेहा हुआ है उस दिन डॉन ने अपने एडिटोरियल में लिखा है कि यूनाइटेड नेशंस की जो कमेटी ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसने पाकिस्तान को एडवाइस किया है कि आप रेटिफाई करें जो कन्वेंशन ऑन इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस है, जो मिसिंग पर्सन है जिनका बहुत बड़ा लिंक है बलोचिस्तान की जो प्रॉब्लम बलोचिस्तान में चल रही है और जो और इलाकों में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस की जो एक, और यूनाइटेड नेशंस ने आपको कहा है, हमारी हुकूमत को कहा है कि आप इस हवाले से इन्वेस्टिगेट करें और प्रोसिक्यूट करें उन लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त हमारी हुकूमत GST प्लस के चक्कर में, यूरोपियन यूनियन जो उन्होंने हमें एक फेवर्ड स्टेटस दिया हुआ है उसके हवाले से ये यूनाइटेड नेशंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ह्यूमन राइट्स की, ये आपको पूरी करनी पड़ेंगी। और ये मेरे पास एक रिपोर्ट भी पड़ी है जो हमारी ह्यूमन राइट्स की तरफ से गई हुई है UN को, जिसमें हम उनको बड़ी सफाइयां देते हैं और इन सफाइयों के बगैर वो हमें वो GST स्टेटस नहीं देते जो हम चाह रहे हैं, और वो हमारा लिटरली मजाक बनता है। ये देखें, ये इतनी मोटी रिपोर्ट है जो हमारे यहाँ से अफसर लेके जाते हैं जब ये इमरजेंसी पड़ती है कि हमने जवाब देना है क्योंकि हमें कुछ डॉलर चाहिए कशकोल में, और हम जब कश्मीर की बात उनके साथ करते हैं ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ UN की, तो वो कहते हैं जी कश्मीर की बात तो सही है, कश्मीर में इंडिया बड़ा जुल्म कर रहा है, लेकिन आप पहले अपने गरेबान में झांकें, आप लोग अपने मुल्क में जो मसाइल हैं उनके बारे में आप कुछ कर नहीं रहे, तो फिर आप किस मुंह से जाएंगे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के पास, यूनाइटेड नेशंस के पास, जिनको हम जाके कहते हैं कि कश्मीर के ऊपर कुछ करो? वो कहते हैं आप अपने गरेबान में पहले झांकें। तो जब तक सीरियसनेस नहीं आएगी अपने काम के हवाले से, हमारे मुल्क के हवाले से, इस मुल्क हमें, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा मुल्क जो है ये चलता है उन अशराफिया के लिए जो इस मुल्क के मेन बेनिफिशरीज हैं।
उनको हम टैक्स नहीं करते, उनके आईपीपीज के राज हम नहीं खोलते, उनके शुगर मिलों के राज हम नहीं खोलते, वो कहाँ कहाँ बेनिफिट ले रहे हैं हम उसका जिक्र नहीं करते, एग्रीकल्चर में हम उनको टैक्स नहीं करते, और जो पाकिस्तान की 24 करोड़ गरीब और मुतवस्त तबके की आवाम है उसको हम टैक्स करके उसका एक खून का एक एक कतरा निचोड़ के इन अशराफिया को हम सपोर्ट कर रहे हैं। सर पाकिस्तान की हुकूमत, माजरत के साथ मैं इस मुल्क की रहने वाली हूँ और सेनेट का हिस्सा भी हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमत एक सौतेली हुकूमत है। एक अंग्रेज तो चला गया लेकिन हम ब्राउन अंग्रेजों को यहाँ छोड़ गया, जो पाकिस्तान के ब्राउन लोगों को इस तरह समझते हैं जिस तरह ये कोई तीसरी किस्म की कोई नस्ल है, ये इंसान नहीं है, इनको किसी और तरह से ट्रीट करना चाहिए, इनको ना इंसानी हकूक मिलने चाहिए ना इनको इनको इनके जो जायज़ हकूक है, पब्लिक सर्वेंट्स जिनका काम है पब्लिक की सर्विस करना वो भी हमारे अशराफिया का एक हिस्सा है, और बाकी हम सियासतदान, हमारे सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, हमारे सारे बिजनेसमैन, हमारी जो अदलिया है, तो ये जब तक ये सोच बदलेगी नहीं, जब तक हम नेशनल एक्शन प्लान नैक्टा को लेके नहीं आएंगे, जब तक हम इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक ये मामलात आगे बढ़ने वाले नहीं, और ये जो इस वक्त का जो आपकी 66% 68% ऑफ पाकिस्तान इज बिलो दी एज ऑफ 30, और ये 30 साल से कम के जो नौजवान है ना, ये हम जैसे जो 40 और 50 साल से ऊपर वाले लोग हैं ना, हमारी ज़हनियत के नहीं है। वो कहते हैं हमारा हक दो, नहीं दोगे तो हम भी तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे जैसे लोग जो मुंह में लड्डू लेके इधर से कुछ ले लिया, उधर से कुछ ले लिया, आप घर ले लिया, गाड़ियां ले ली, बाहर पैसे ले गए, ये वाले कामों में वो नहीं आने वाले जी, वो अपना हिस्सा लेके रहेंगे सर। और जब तक हम सीरियस नहीं होंगे ह्यूमन राइट्स की, ये जो हमने सारी ट्रीटीज रेटिफाई की हुई हैं, ह्यूमन राइट्स की वो सारी ट्रीटीज जो हमने रेटिफाई की हुई हैं, जिनकी रिपोर्ट्स हमें देनी पड़ती हैं, और जिनके हवाले से हमारे हमसे सवाल किए जाते हैं हर बार, और हमारे ऑफिशियल्स बाहर जाके शर्मिंदा होते हैं और हम यहाँ शर्मिंदा होते हैं, तो हमें ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, हमें सवालों के जवाब देने होंगे, और हमारी हुकूमत को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो ये कमेटी कमेटी जो कह के गए हैं हमारे लीडर ऑफ द हाउस, बड़े ऑनरेबल हैं, लेकिन कमेटियों से काम नहीं चलना। और सर एक आखिरी बात ये कि ये लोग जो पुराने तरीके से हुकूमतों को चला रहे हैं, बड़ी माजरत के साथ बड़े ऑनरेबल हैं, इनका वक्त ख़त्म हो चुका है, अब इनके सोल्यूशंस ना चल रहे हैं ना चलेंगे। पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो दूसरे लोग लेके जाएंगे जो पाकिस्तान के साथ सिंसेयर हैं, जिनकी नीयत साफ है, जिनके अपने जाती मफाद मुल्की मफाद से बालातर नहीं है। या तो अपने दिल बदले या अपनी, और दिल बदलने के चांसेस मुझे तो नहीं लगते, इसीलिए तो मुझे आखिरी तकरीर मिलती है। अगर मुझे पहले तकरीर मिल जाए तो मुझे लगे कि शायद दिल बदलते हैं, लेकिन यहाँ मुझे रद्दी की टोकरी में इसलिए डाला जाता है कि 15 मिनट, सर 15 मिनट तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आखिरी टाइम आपने मुझे दिया 4 घंटे, 5 घंटे से आपने मुझे यहाँ बिठाया हुआ है। तो सर ये जंग सच की और मिलावट की ये जारी रहेगी सर।